सो टुडे आवर टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक प्रोसेसेस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और उस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में जो हम बेसिक बातें देखी है कि जो स्टडी है हार्ट की, स्टडी को हम लोग कहते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। और जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं दे आर कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। तो जो स्पेशलाइज होते हैं दे आर कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। ये आप याद रखेंगे, स्टडी ऑफ हार्ट को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं। जो हार्ट का लोकेशन है वो लोकेशन है थोरैसिक कैविटी, लोकेशन ऑफ हार्ट इन थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी में भी ये लेफ्ट लंग के पास डिप्रेशन है और उसी डिप्रेशन में जो स्पेस है, तो लोकेशन हमने देखा थोरैसिक कैविटी और स्पेस को हम लोग कहते हैं मीडिया स्टीनम। दिस स्पेस इज कॉल्ड मीडिया स्टीनम। और लेफ्ट लंग में लॉन्च है, डिप्रेशन है एंड दैट डिप्रेशन इज कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। उसी कार्डियक नॉच और स्पेस इन मीडिया स्टीनम योर हार्ट इज लोकेटेड। तो यानी कि अगर सिंपली मैं आपको डायग्राम दिखाऊं लेफ्ट लंग्स का समथिंग लाइक दिस, तो ये तो दिस इज लंग्स जिसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है एल्वियोलाई। और इसी लेफ्ट लंग्स में जो है लेफ्ट लंग और यहाँ जो ये डिप्रेशन हमने बात की, इसी डिप्रेशन में आपका ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर सेट जो है स्ट्रक्चर एंड दैट इज योर हार्ट। तो यहीं पे अपना जो हार्ट है वो लोकेटेड है और इस पूरे स्पेस को हमने क्या कह दिया, मीडिया स्टीनम एंड दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। तो इसी लेफ्ट लंग्स में ये डिप्रेशन और वही है अपना हार्ट। साथ ही साथ ह्यूमन हार्ट जो है वो फोर चैम्बर, ये याद रखेंगे फोर चैम्बर है ये हार्ट। वेट जो है वो इन मेल 280 to 340 grams, but in female there is a range 230 to 280 grams। और जो साइज है वो है अ क्लेंज्ड फिस्ट, एक बंद मुट्ठी, अ क्लेंज्ड फिस्ट, ये इस हार्ट का साइज होता है। अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे तो जितना साइज ये है यही आपके हार्ट का साइज है, जिसको हम लोग बोलते हैं अ क्लेंज्ड फिस्ट। हार्ट जैसे कि हमने बताया आपको कि फोर चैम्बर्ड हार्ट है और इस फोर चैम्बर्ड हार्ट में जो है इस तरह से हम लोग यहां से देख लेते हैं हार्ट। तो इस हार्ट में ऑरिकल, तो कंपैरेटिवली ये छोटा है लेकिन ब्रॉड है, तो ब्रॉड और स्मॉलर अपर चैम्बर जो हार्ट का है दैट इज ऑरिकल, और जो लार्जर है और लोअर है अ लिटिल बिट कॉनिकल है एंड दिस इज योर वेंट्रिकल, दिस इज वेंट्रिकल। ऑरिकल यानी कि ये डायग्राम अगर मैं आपको बताऊं तो एक रफ डायग्राम अभी मैं देख लेती हूँ, ये रहा
ventricle is tilted left and auricle is tilted right. तो इसमें जो ये डबल मैम्ब्रेन कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम।
तो कवरिंग जो हार्ट का है वो क्या होता पेरिकार्डियम, दिस इज द कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसका। पेरिकार्डियम में भी आप याद रखेंगे कि जो नियर टू दिस हार्ट है दिस इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम एंड दिस इज कॉल्ड पैराइटल पेरिकार्डियम। तो ये पेरिकार्डियम और इनके बीच का जो ये स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी जो है ये ट्रू सिलोम है, ये याद रखेंगे। ये कैसा सिलोम है? ट्रू सिलोम है। ट्रू सिलोम कैसे होते हैं? जो लाइन हो किससे? मेजर डॉग से। तो आपका जो होल सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अराइज है किससे? मेजर डॉग से। तो हम लोग याद रखें एक पॉइंट रख सकते हैं इसको भी कि कुछ एक्सेप्शन है जो एक्सेप्शन आप अपर क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल आप इतना जाने कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जो ओरिजिन है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो है मेजोडर्मल इन ओरिजिन, मेजोडर्मल इन ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम मेजोडर्मल इन ओरिजिन। इसका एक एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। एक जो ब्लड वेसल्स का इनर लेयर है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, और जो हार्ट है वाल का, जो हार्ट का वाल है उसका भी इनर लेयर जो है वो भी एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। तो खैर आप इतना याद रखें कि सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर इतना भी आप याद रखते हैं क्लास टेंथ में तो दैट इज मोर देन सफिशियंट कि सर्कुलेटरी सिस्टम मेजोडर्मल इन ओरिजिन एक्सेप्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स और एक्सेप्ट द इनर वॉल ऑफ द हार्ट। आप अपने नोटबुक में ये डाल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम मेजोडर्मल इन ओरिजिन और पेरिकार्डियल कैविटी जो कि ट्रू सिलोम है, और वो कोई भी कैविटी, ये याद रखना कि वो कोई भी कैविटी जो लाइन हो किससे बेटा, मेजोडर्म से, वैसे कैविटी को हम लोग कहते हैं ट्रू कैविटी, ट्रू सिलोम। तो कैविटी मीन्स कि फ्लूइड फील्ड स्पेस एंड लाइन विथ मेजोडर्म इज कॉल्ड ट्रू सिलोम। तो इस ट्रू सिलोम में जो है ये सिक्रीशन है इस मेम्ब्रेन का एंड हियर इज फिल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये आप याद रखेंगे कि दिस एरिया इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, यह पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या क्या करता है? तो प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू हार्ट, साथ ही साथ मॉइस्चर टू हार्ट तो देता ही है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल जर्क, जर्क से ये काम करता है। और ये जो अमाउंट है आप इसको मान सकते हैं 15 ml, तो लगभग 15 ml जो होते हैं ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो मॉइस्चर देते हैं हार्ट को, जो मैकेनिकल जर्क से हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो बैड इफेक्ट होता है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन का ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, इससे भी हमारे हार्ट को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी मैं लिख देती हूं कि प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके बैड
इफेक्ट, सिर्फ के फ्रिक्शन के बैड इफेक्ट से ये हमारे हार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो लार्जेस्ट चैम्बर है उस पर आती हूँ, तो आप याद रखेंगे ये और 15 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो ये बात याद रखनी है। हार्ट में ऑरिकल का नंबर कितना है, 2, तो लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज राइट, और वेंट्रिकल भी कितने हैं, 2, तो वी आर कंसीडरिंग दिस लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस पार्ट लेफ्ट ऑरिकल, तो जब भी ह्यूमन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे हार्ट का, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ऐसे क्लास में हमने ऐसे इसको देखा, और जैसे ही मैं आपकी तरफ ऐसे मुड़ी, हिस्ट्री माय हैंड ऑन दिस साइड, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और तो लेफ्ट ये साइड जो है वो लेफ्ट हो गया एंड दिस इज द राइट। साथ ही साथ ये जो पार्ट है आप इसको बेस नहीं कहेंगे, ये पार्ट है एपेक्स एंड दिस इज बेस, ठीक है। तो ये बेस क्यों है और ये एपेक्स क्यों, क्योंकि एपेक्स तो ऊपर होना चाहिए ना, बेस नीचे होना चाहिए। तो जो अपना इन्वोल्यूशन हार्ट का हुआ, तो हम लोग वर्टिब्रेट्स हार्ट में अगर देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फिश का देखेंगे, तो फिश में हम लोग का जो डबल यानी उसमें जो है वो 2-chambered हार्ट है, तो 2-chambered हार्ट जो इसका इन्वोल्यूशन हम लोग देखेंगे फिश का, तो वो कुछ ऐसा था, तो दिस वाज द ऑरिकल, तो उसका ट्यूबुलर हार्ट है, दिस वाज द ऑरिकल एंड दिस वाज द वेंट्रिकल, तो ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल, तो ऑरिकल किधर है, इस साइड है ना, तो जब इवोल्यूशन हुआ तो ऑरिकल ऊपर आ गया ना, तो दिस वाज द बेस, तो ऑरिकल जब ऊपर गया तो ऑरिकल अब क्या हो गया, ये बेस हो गया ये साइड का। तो ये जो फिश का हार्ट है वो कैसा है, वो डबल यानी कि 2-chambered हार्ट है, और इसका हार्ट सिर्फ और सिर्फ कैसा ब्लड रिसीव करता है, इम्प्योर ब्लड, और ऐसे हार्ट को हम लोग वेनस हार्ट बोलते हैं। तो खैर, तो ये ऐसे ये क्या हुआ कि ये साइनस वेनोसस यहाँ पे होता है, और साइनस वेनोसस जो होता है वो बॉडी से इम्प्योर हार्ट इम्प्योर ब्लड को लेता है, ऑरिकल को देता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से ये कोरोनरी साइनस और एओर्टा से ये चला जाता है किसमें, गिल्स में, और गिल्स उसको क्या कर दिया, प्योर कर दिया, ऑक्सीजनेटेड कर दिया, क्योंकि गिल्स तो वाटर में है और वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया इसका मतलब क्या हुआ कि वहां CO2 का कॉन्टेंट क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा अब CO2 बाहर जाएगा और ब्लड में O2 आएगा, तो नाउ दिस ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड, और इस गिल्स से उस ब्लड को कहाँ दे दिया जाएगा, ये बॉडी तक जाएंगे, बॉडी टिश्यूज तक जाएंगे। तो ऐसे हार्ट को जो सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेनस हार्ट। तो ये हमने बताया ये कॉन्सेप्ट के लिए वेनस हार्ट, तो ये किसका है, फिश का है। यहाँ सिंगल सर्कुलेशन की भी बात, हम लोग उसी को सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं कि एक साइकिल पूरा करने में उस ब्लड को कितनी बार हार्ट को आना है, वंस, तो दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। तो खैर ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो मैं क्या बोली कि जब इवोल्यूशन हुआ हार्ट का, तो उस समय ऑरिकल जो था वो नीचे था, बेस एंड दिस वाज द एपेक्स, बट व्हेन इवोल्यूशन तो चला आगे बढ़ा टू प्लेस, तो अपने हार्ट में जो ये था ऑरिकल वो ऊपर गया और वेंट्रिकल नीचे आया, स्टिल दिस ऑरिकल इज द बेस एंड वेंट्रिकल इज एपेक्स। तो ये याद रखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने देखा कि ऑरिकल 2 और वेंट्रिकल 2, तो कितने चैम्बर्ड हो गए, 4 चैम्बर। और विलियम हार्वे जो है वो फादर ऑफ एंजियोलॉजी, और एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एंजियोलॉजी ये भी आप एक टर्म याद रखेंगे, एंजियोलॉजी द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और विलियम हार्वे तो सर्कुलेशन से रिलेटेड दिस साइंटिस्ट विलियम हार्वे फादर ऑफ एंजियोलॉजी। तो ये सब कुछ हम लोगों ने देखा, आपने ये देखा लेफ्ट लंग में कैसा हार्ट आपका लोकेटेड है, और राइट एट्रियम जो है, यहां मैं आपको बता दूं कि राइट एट्रियम जो है वो
वो रिसीव करता है कैसे ब्लड को, तो आज हम उसी चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके डिटेल्स को बताऊंगी। तो ये जो है इम्प्योर ब्लड, इट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड, इट रिसीव्स प्योर ब्लड। तो अगर ये प्योर ब्लड रिसीव करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के भी प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड, तो राइट वेंट्रिकल के भी इम्प्योर ब्लड ये रिसीव करता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे इस राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में जो है ओपनिंग होता है किसका, वेन्स का, ये याद रखेंगे। तो राइट एट्रियम जो है रिसीव्स इम्प्योर ब्लड और इसके थ्री सोर्सेज हैं। थ्री सोर्सेज का मतलब सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। तो राइट एट्रियम जो है ये हमने आपको बताया, एक तो आपको बात बताया कि अपना ये जो एट्रियम है वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिसीव करता है, वेन्स को। तो इतना तो याद रखोगे तो रिसीव्स वेन। और ये क्या रिसीव करते हैं, रिसीव्स वेन्स। तो राइट ये मैं बताऊंगी पूरा डायग्राम बना के सारा कुछ लिख के लर्निंग करके, फिलहाल आपको मैं सुना देती हूँ कि इंप्योर ब्लड जो कि राइट एट्रियम में आया तो सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, यानी सुपीरियर वेना कावा का मतलब ये हुआ कि ये जो होते हैं वो अपर बॉडी पार्ट से इंप्योर ब्लड को लेते हैं। तो अपर बॉडी पार्ट का मतलब क्या हुआ कि द पार्ट ऑफ द बॉडी एवं द हार्ट। तो हार्ट से ऊपर में जो वेन्स है जो इंप्योर ब्लड को ले रहे हैं फाइनली वो अपने बॉस को दे दे रहे हैं, और वो बॉस का कौन है, सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा जो है वो ओपन हो जाता है किसमें, इस राइट एट्रियम में, और यहाँ ये इंप्योर ब्लड को लेकर आता है। ये अलग कीजिए, फिर हमने बताया आपको इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा का मतलब क्या हुआ कि वो इंप्योर ब्लड को लेता है और वो उस बॉडी पार्ट से जो हार्ट के नीचे है। तो ये नीचे जैसे मान लो ये इंफीरियर वाला कावा वेना कावा ऐसे गया, तो दिस इज इंफीरियर वेना कावा, इसकी ओपनिंग यहाँ हो गई जो हम आपको दिखा दे रहे हैं समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज द इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग हो गई, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, और साथ ही साथ एक और ओपनिंग है यहां जिसको हम लोग बोलेंगे कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस जो है ये मैं इसको यहां लगा देती हूं, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस जो है ये रिसीव करता है इंप्योर ब्लड को, और इंप्योर ब्लड ये कहां से आते हैं, तो हार्ट से आते हैं। हार्ट भी तो एक ऑर्गेन है ना, इसको भी प्योर ब्लड चाहिए, और प्योर ब्लड का जब ये यूज करेगा तो यहां से भी इंप्योर ब्लड आएंगे। तो उस इंप्योर ब्लड को कोरोनरी वेन रिसीव करता है, और कोरोनरी वेन्स की ओपनिंग हो जाती है किसमें, कोरोनरी साइनस में। और कोरोनरी साइनस कहां ओपन होता है, राइट एट्रियम। तो इस कोरोनरी साइनस को इंप्योर ब्लड किसने दिया, आप याद रखेंगे कोरोनरी वेन्स। तो कोरोनरी इज द टर्म रिलेटेड विथ दिस हार्ट। तो कोरोनरी वेन्स ने इंप्योर ब्लड लिया हार्ट से और उसको कोरोनरी साइनस में डंप कर दिया, और कोरोनरी साइनस कहाँ है, राइट एट्रियम। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा कि इस राइट एट्रियम में जो है इंप्योर ब्लड जो है रिसीव किए जाते हैं, और आपने देखा कि यहाँ पे ये वेन और ये वेन। तो हमने आपको क्या बताया कि ऑर्गन रिसीव्स वेन्स, ठीक है। साथ ही साथ प्योर ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो ये प्योर ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में आता है, ये लेफ्ट एट्रियम में किधर से आता है, तो यहाँ पे फोर पल्मोनरी वेन्स होते हैं। तो फोर पल्मोनरी वेन्स का मतलब
two pairs. So one pair is coming from the left lens and one pair coming from the right lens. So the opening is here. तो ये opening किसका है? ये pulmonary veins का है. तो और ये दो तो कितने हो गए? Two pairs. तो हमने तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? Two pairs pulmonary veins. तो two pairs से pulmonary veins जो है two coming from the left lens and two coming from this right lens. और ये lungs से कैसे blood को लेके आ रहे हैं? Oxygenated blood को, pure blood को. और ये oxygenated blood जो है यहाँ filled है, ये pure blood. तो जैसा कि हमने आपको सिखाया कि आपका organ जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको receive करता है? Veins को. तो it receives veins. ये याद रखोगे. फिर वेंट्रिकल की अगर हम लोग बात करें तो यहां से इमर्ज होता है. इमर्जेस आर्टरी. तो आपके राइट वेंट्रिकल से क्या इमर्ज होगा? पल्मोनरी आर्टरी. और पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को कहां लेके जाएगा? लंग्स में फॉर द ऑक्सीजिनेशन. और ऑक्सीजिनेशन का मतलब क्या हुआ? प्यूरिफिकेशन. यानी वहां उस ब्लड में ऑक्सीजन की एडिंग होगी और CO2 का सब्सट्रैक्शन होगा. तो ये याद रखोगे. तो आपके वेंट्रिकल से इमर्जेस करते हैं आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका इमर्ज करेगा क्या? एओर्टा. तो ट्रंक ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड एओर्टा. तो यहां से क्या बाहर निकलेगा क्या? एओर्टा. याद रखो सिस्टेमिक एओर्टा भी इसको बोलेंगे क्योंकि यह इस ब्लड को ले जाकर सिस्टम में ले जाएगा ना. तो फिलहाल आप लिखना याद रखिए एओर्टा, ठीक है? या आप सिस्टेमिक एओर्टा भी लिख सकते हैं. सिस्टेमिक. Why this term is systemic? Because this blood is going to supply blood in the system, like the digestive system. So many systems are there. So this is the systemic aorta. और यहाँ से क्या होगा अपना? Pulmonary aorta या pulmonary artery. जो भी हो, ठीक है? तो ये pulmonary aorta या pulmonary artery भी आप इसको कहते हैं. तो हमने आपको क्या सिखाया कि ventricle इमर्ज करता है क्या? आर्टरी. तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एओर्टा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे. और इस तरह से हम लोगों ने लोकेशन की बात की तो इस एरिया को हमने क्या कहा? मेडिया एस्टिना. This area is called media astina and depression is called cardiac notch where the heart is located. तो दिस इज हमने आपको बस ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन अभी किया है. और हम लोग अपने नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि कैसे ये फोर चैम्बर में कैसे आर्टरी और वेन्स की एंट्री होती है, कैसे इमर्ज होते हैं यहाँ ब्लड वेसल्स और किस तरह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन क्या है, हार्ट बीट क्या है, कार्डियक साइकिल क्या है. तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, समझिए. कोई डाउट्स हो तो आप ग्रुप पे डालिए और इसका आप प्लीज नोट्स बना लीजिए ताकि आप इसका रिवीजन बाद में कर सके. तो दिस इज द लेफ्ट लंग. तो थैंक यू सो मच.